सारे साथियों ने राम राम भाई। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल सुननी है। सारे चुनू मुन्नू कट्ठे हो जो भाई। आज आप SCRT कक्षा 5 EVS पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो का सामान्य अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे और इसके अभ्यास के बारे में सारी समस्या दूर कर देंगे। बस ले पास में बैठो भाई, ध्यान से सुनियो। अगले 10-5 मिनट पानी पेशाब करकने बैठियो और कदे बीच में बात जो तो सारे लड्डू कट्ठे हो जो भाई, नोंदा है सबका। तो भाई इतने बालक छिंड रहा हुआ है। शिक्षक साथियों और अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा, खब्बा हाथ का गुंठा जरूर दबा दियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब पर व टैली वाला बटन जरूर दबा दियो ताकि मेरी पोस्ट आंदे होने तब ना बेरा पड़ता रहा। EVS का पहला पाठ है मेरी सुनो अपनी कहो। सभी बच्चे तैयार होंगे, स्क्रीन के ऊपर लाइव आपके सामने आ गया है पाठ। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और आनंद लेंगे प्यारे बच्चों। EVS का मतलब होता है प्यारे बड़को अपने आसपास की भौतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और जैविक सभी प्रकार की जानकारी देना और बालक ने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़ाए, वो अपने समाज से जुड़े। सभी प्रकार की संस्थाएं, पारिवारिक समस्याएं, जिंदगी की सारी मूलभूत जरूरतों का बेरा पट्टा है बालक ने, उसके बारे में EVS हुआ है अपना। 22 पाठ है भाई चुनू मुनू इसमें और प्रकरणा में बांट रखे हैं। 4-4, 5-5 पाठ एक के डाल के हैं, उस तक 4-5 पाठ अगले एक डाल के हैं, एक सी बात है उनमें। तो पहला प्रकरण है अपना मेरा परिवार और मेरे मित्र। नाम तो मेरा पट्टा है, भाई मेरा टाबर किसा है और मेरे डब्बी किसे किसे हैं, किसे माहौल में रहा है, के खान पीन करे हुए हैं, कैसी कैसी उनके आर्थिक हालात है, उनका जीवन स्तर किसा किसा है, उनके माँ बाप के काम करे हैं, अपने आस पड़ोस के बारे में सारी बात इसमें है। तो प्यारे बालको पहला पाठ आ रहा है मेरी सुनो अपनी कहो, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इसमें 3 बच्चे आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम है इनके सतनाम, कंचन और पीटर। सतनाम कहता है मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वह एक फैक्ट्री बंद हो गई है, अब हम अपने गांव में रहेंगे। कंचन कहती है सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है, अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। फिर पीटर कहता है मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं, अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर में रहते हैं। तो अपने अपने परिवार के बारे में तीनों बच्चे बातचीत कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। तो नीचे प्रश्न आ गए, आगे सोचो और कॉपी में लिखो। पहला प्रश्न है ये, क्या कंचन, सतनाम और पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को, किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ा है? तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के बल पर दे सकते हो। अगर आपका परिवार कहीं इधर उधर गया है, रहने लग गया है, तो आप उसका उत्तर हाँ में दे सकते हो, या फिर अपना जानकार, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार आदि कोई इधर उधर रहने लग गया है परिवार है, तो आप उसमें लिख सकते हो। उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा, इसका उत्तर आप देख सकते हो कि अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है। यदि अच्छे माहौल में चले गए, नई नई बात सीखेंगे तो अच्छा भी लगेगा, और भाषा आदि अगर नहीं आई समझ में तो बुरा भी लगता है। वहाँ के लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं कर पाते वो अपनी भाषा के हिसाब से। तो अगला प्रश्न है नई जगह जाकर रहने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। तो अच्छी चीज़ें लगती हैं, जैसे वहाँ का खान पान सीख सकते हैं, वहाँ के व्यवहार के बारे में, लोगों के आचार विचार के बारे में, रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में सीखते हैं। और बुरा ये लग सकता है कि भाई हम अपने विचार दूसरों को समझा नहीं पाते, भाषा की दिक्कत हो जाती है, और भाषा के हिसाब से अगर हम एक दूसरे से बोल नहीं पाएंगे तो बुरा लगेगा। और हो सकता है कुछ वहाँ के लोगों में बुरी आदत हो और हमारे अंदर वो बुरी आदत ना हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। ये तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों, नौकरी के मामले में, व्यापार के मामले में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते रहते हैं, बसते रहते हैं। कई बार तो पारिवारिक दिक्कतों के कारण भी अपना स्थान मनुष्यों को बदलना पड़ता है। ले भाई अगले पृष्ठ पर आ जाओ चुनू मुनुओ, ध्यान से सुनोगे तो तब ना भाई सांझा ना रसगुल्ले खुआऊंगा। अहमद, काजल और रंदिनी के परिवारों को अक्सर अपने रहने के स्थान बदलने पड़ते हैं, आओ उनके बारे में जाने। अहमद की कहानी पढ़ेंगे भाई अब हम।
अहमद कहता है, मेरा नाम अहमद खान है, मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है, वहां अक्सर बाढ़ आती रहती है, बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए मेरे अब्बू अम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। वे ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, उन्हें कभी किसी एक भट्ठे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे पर। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है हम वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं। बार बार जगह बदलने के कारण मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है, इससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है, पुराने दोस्त भी छूट जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तो मेरे अब्बू अम्मी मजदूरी करते हैं। मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी यानी के दादा दादी गांव में रहते हैं, उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद है, वहां मुझे नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। बड़ा होकर मैं अपने गांव में रोजगार के और अवसर बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे गाँव के लोगों को काम की तलाश में अपने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह न जाना पड़े। अब बताओ प्यारे बड़को, अगर अहमद की जगह तुम होते तो बार बार स्कूल बदलना तुम्हें कैसा लगता और क्यों? तो इसका जवाब आप सोचो मन में, भाई अहमद को बार बार स्कूल बदलना पड़ता है क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ रहा है और माता पिता ने काम खातर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है बार बार, तो अपना स्कूल अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा बदलना? अगला प्रश्न पूछ रखा है इसमें, अहमद उसके बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को अपने ही गांव में रहना क्यों अच्छा लगता है? अहमद उसका बड़ा अब्बू और उसकी बड़ी अम्मी गांव में रहना पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह उनकी जन्मभूमि से है और उन्हें सारी सुविधा मिल जाए हैं, लेकिन काम खातर दूसरी जगह भी जाना पड़ा है। अच्छा इसलिए नहीं लगता दूसरी जगह जाना क्योंकि उनको ठिकाना बदलना पड़ा है, पढ़ाई भी छूटा है और सारी व्यवस्था बिगड़ जाए है परिवार की। अगला प्रश्न है बच्चों, बड़े होकर अहमद की तरह तुम अपने गांव या शहर के लिए क्या करना चाहोगे? तो भाई गांव और शहर के लिए तो बहुत कुछ करना चाहोगे, आपे जड़ा जमे है नहीं बड़को, वो अपनी जन्मभूमि है, उस तो अपने प्यार है और उसमें सारी सुविधा देवांगे, ताकि अपने जुकर अहमद ने जाना पड़ा है अपना घर बार छोड़ कर इसी तरह किसी और को ना जाना पड़े, सारी सुविधा उड़े मिल जाए, तो आपे भी यही चाहोगे अपना पूरा गांव पूरा शहर जहाँ भी आप जमे हाँ और सारी सुविधा हो और किसी को अपना घर बार नहीं छोड़ना पड़े। ले भाई खखाटा ठहर क्या बड़को, तब ना तो सीखने की चीजा का भाई, देखो आगे गाड्डों में घर, तो गाड्डों का मतलब वो है बड़को जो रेडी सी बड़े रेडुए से गाड़ी हुए हैं गडरिए रखा करे हैं, जो उसके बारे में बात करांगे बापे। काजल कवे है, हम गाड़िया लुहार हैं, हम किसी एक जगह नहीं रह पाते, हम गाड्डों यानी कि एक प्रकार की बैलगाड़ी में रहते हैं, समय समय पर हम ठिकाना बदलते रहते हैं पर गाड्डे हमारे साथ ही रहते हैं, गाड्डों में रहना आसान नहीं होता, छोटे से गाड्डे में घर का सारा सामान होता है और परिवार के सब लोग रहते हैं, हर मौसम में अलग अलग तरह की दिक्कत आती हैं, मेरी माँ और पिताजी लोहे की चीज़ें जैसे तवा चिमटा छाज छलनी दरात झरना आदि बनाते हैं, हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं, मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की बड़ी मदद करते हैं, मुझे भी यह सब अच्छा लगता है। तो भाई सोचो बड़को इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी कैसी होगी भाई, देखो चित्र भी दिखाई दे रहा है तुमने, क्या तुम कभी घुमंतू समुदाय के लोगों से मिले हो, यदि हाँ तो कहाँ? तो इसका उत्तर भाई तारा विवेक पे बात है, जे तुमने कड़ियाँ देखे होंगे तो लिख दो हाँ और नहीं तो नहीं सही भी। तो भाई गडरिए लोहार होते हैं जो ये अपने लोहे का सामान आदि बेचते हैं, इनका इतिहास बहुत गौरवमयी है, ये महाराणा प्रताप के वंशजों में से माने जाते हैं, राजस्थान से निकाल है इनका। तो प्यारे बच्चों इनके इतिहास के बारे में अपने से बड़ों से या फिर आपको कभी कोई गाड़ी लोहार वाला मिल जाए तो उनसे पूछना ज़रूर, ठीक है ना।
उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी, भाई ढेर सारी समस्या है भाई, दिखते दिक्कत है उन्हें बेचारे ने, देखो घर उन पर नहीं, अपने तो बरसात आवा ठंड लग गए भीतर बढ़ जा हाँ, और उनका तो भाई वहाँ तंबू वाले मकान है एक तरह से, तो उसमें आंधी आ जाए तो उठ जाए, बहुत दिक्कत है गर्मियाँ में सर्दियाँ में, छोटे बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं, बहुत तो सारे ठेचे खाने पड़े हैं रे न, इनकी ज़िंदगी बहुत कठिनाइयाँ तक गुजरा है बड़को। ऐसा करो आगे देखो, यदि तुम्हें गाड़े में रहना पड़े तो दी गई सूची में से तुम जिन चीज़ों को साथ रख पाओगे उन पर गोल दायरा लगाओ, डबल बेड टीवी सोफा सेट फ्रिज मेज कुर्सी गैस का चूल्हा बैट बॉल बस्ता संदूक बर्तन कपड़े अलमारी चारपाई साइकिल, तो भाई ये सारी चीज़ ला दे लोगे भाई गाड़िया में कुल लद नहीं जे अपन रहना पड़ जाए तो इसमें तो ना तो डबल बेड रख सकते गला पे, और टीवी और सोफा सेट रही हैं कड़े ला देंगे भी, फ्रिज भी को नहीं चल रहा भाई क्यों, थोड़ी सी तो जगह हुआ है गाड़ी में बैलगाड़ी में, तो मेज कुर्सी ये थोड़ी बहुत ले कहाँ गैस का चूल्हा बस्ता अपना और भाई संदूक बर्तन कपड़े भाई चारपाई साइकिल ये चीज़ आप ला दे लेंगे जितना चल लेगा भी उसमें, और के आगा है भाई चुनू मुनुओ क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतू समुदाय के लोग रहते हैं, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करके प्राप्त जानकारी को दिए गए स्थान पर लिखो, उनके समुदाय का क्या नाम है, तो भाई पूछ लियो तारी गाड़ में आवे तो कोई गडरी अलवार है और कहीं पर डेरा डाल रहे हो तो आसपास में तंबू तान रहे हो तो इनके समुदाय के, और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं तो यह बात भी पूछियो भाई जाकर ना उनता है, और यह जगह उनकी मूल जगह से कैसे भिन्न है, ये सारी बातों का बेरा पड़ियो भाई, अगर अपना पड़ोस में वह आ रहे हैं अरे के सुविधा हैं और ओड़ा उनका के सुविधा हैं, उन्हें क्यों समस्या आई, अगर अपना घर बार छोड़ना पड़ा और उरा आ रहे हैं तो के बदलाव देखे उन्हें, सारी बात हमने पूछनी है और सारी बात नोट कर लियो ज्ञान बढ़ेगा भाई। अच्छा एक बात ध्यान दो भाई बड़को, जो प्रवासी आदमी हुए हैं उनका घर तो ओड़े रहे हैं, वह कोई कमाई के खातर या किसी और कारण से आवे हैं अपने पूरा आस पास, और जो घुमंतू समुदाय है उनका घर वह गल्ले ठह के लिया हुए हैं, यू ध्यान रखो घुमंतू समुदाय तो सबकी में गल्ला रखे हैं और प्रवासी लोग हैं वो कुछ समय के लिए अपने आस पास रह कर न अपना जीवन यापन करें हैं, रोजी रोटी कमावे हैं, अपना घर बार पाछे छोड़ के आवे हैं, ले भाई नु डूडे ठहर के वह तीन पृष्ठ कर लिए तो मैं तो रहा देख दे जमा चाला पाट दिया वह बालक तो के हो मेहनती हो पूरे जमा अगे देखियो रे, उन्हें स्थान बदल बदल कर रहना कैसा लगता है, उन्हें स्थान बदल कर रहना पड़ जाए तो दिक्कत भी आवे है बुरा भी लग गया है, और कि मैं नई बात सीख देंगे तो भाई अच्छा भी लग गया है, वो तो उनका अनुभव बता होगा उन पर पूछियो था मैं, अगर उन्हें रहने के लिए स्थाई घर मिल जाए तो वे घर में रहेंगे या घुमंतू तरीके से ही रहना पसंद करेंगे, क्यों भाई जे किसी ने घर छिड़ा कर न कोई दे दे तो घर में रहना पसंद करेगा, बाहर आंडना कौन पसंद करेगा भाई बड़को, अच्छा आप अपना घर छोड़ कर आंडना पसंद कर लेंगे, इसी तरह उन्हें पसंद को नहीं, तो भाई उनको घर बार की व्यवस्था शासन सरकार या समाज ने करनी चाहिए। आगे है बच्चों, स्थाई घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, भाई वो भी सके हैं जब अपनी ओन लाइगरी है तो उनकी भी हो जाएंगी, वह अपना एंड फिर कभी तो रोजी रोटी कमावे हैं तो अपना स्थाई घर मिल जाएगा उन्हें और चिंता मिट जाएगी सारी रहन की ठहन की, तो वह फिर अपनी कमाई भी कर लेंगे एक ठोड़ रह कर पढ़ाई भी कर लेंगे उनके बालक, तो फायदा ही फायदा है नुकसान के है। आगे है बच्चों, चर्चा करो अपने बड़ों से कुछ अन्य घुमंतू समुदायों के नाम उनके निवास स्थान और काम के बारे में पता करो और कक्षा में चर्चा करो, यू काम थारा भाई, भाई अपने बड़ों तक पूछो और बड़ों तक भी मैं यूं ही कहना चाहूँ भाई माँ बाप दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई जो दोहरे बैठे हैं बड़का का मास्टर तो सारे अपने बड़का ने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दो भाई, बेरा पटगा इन्ने जे आपे अपने बड़का ने नहीं बतावेंगे नहीं, और अमरीका का ट्रंप बताना होगा भाई इतिहास की बात है, नई नई जगह नए नए दोस्तों के बारे में देखो बड़को, नंदिनी कहा है मेरे पिताजी सेना में हैं,
जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। हम वहाँ की फौजी छावनी यानी के कैंट में रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं, इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। नई नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त, मुझे अलग अलग भाषाएँ सीखने के मौके मिलते हैं। अब मैं तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएँ बोल व समझ लेती हूँ। मैंने हरियाणवी बोली में भी कई शब्द सीख लिए हैं। अरे रुकियो, बीच में यू आ गया, हरियाणवी बोली सीख ली छोरी ने। जे ऐसा आई स्त्रियों का बालक जे न्यू एंडी पक्के नहीं, अकमन हरियाणवी आएगी उस पर न्यू पूछ लियो, गमैन में फरड़े गेट के खोले के डोके चोले इसकी हिंदी बना। चलो या तो बीच में वो बात आ गई थी एंडी पक्के थी नुको थी मन हरियाणवी आएगी। चलो बड़को आगे देखो, हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान व खाना बनाना सीख लेती है। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही राबड़ी बनाना सिखाई हैं। मैं माँ कहती हैं कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने के अवसर मिल जाते हैं। तो उसकी माँ तो खुश हो रही है, वह सारा भारत एंड लिया फ्री में। जड़े भी बाबू की बदली हुआ है, उड़े मम्मी जावे है गल्ला है, बच्चा तो जावे जाऊगा। आगे देखो बच्चों, विस्थापन से होने वाली समस्या के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें। आप है ना चर्चा करनी है राई बे, बड़े गल चर्चा करो, माँ बापा गल करो, मास्टर गल करो, भाई बहन गल करो, साथियों गल करो। अक भाई एक दूसरे स्थान पर जावा है, लोग के समस्या आवे हैं, तो भाषा की समस्या भी आवे हैं, पानी भी सूट नहीं करता, कई बार एक दूसरे स्थान पर जाने से मन भी नहीं लगता, पुरानी चीज याद आ जाए अपना घर बार परिवार, तो कई समस्या भी है और कई फायदे भी। ले भाई सुरड़ दो काम ना, पेज नंबर 5 पे आएगी बड़को। विस्थापन कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं जिनके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। हरियाणा में इस योजना में आसियाना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का हरियाणा में नाम है वे आसियाना, जो बाहर के लोगों ने या यहाँ के लोगों को आवास यानी कि घर की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे हैं। ले भाई ने बड़को खखट्टा ठहर गया था मैं तो भाई सीखने का। आज आगे है, नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर दिए गए खाली स्थान में सही या गलत का निशान लगाओ। अच्छा भाई बताइयो, नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं ना भाई, गलत हो जाए तो उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, टिक लगा देंगे क्यों, वह खाना बनाना और वह भाषा सीखा थी नी। नंदिनी ने अनेक भाषाएँ सीख ली हैं? हाँ भाई सीख ली हैं, कहो थी हरियाणवी आएगी, तमिल आएगी। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता? तो भाई ये तो गलत हो गया, उसकी माँ को तो अच्छा लगता है, वो कह रही थी मुझे अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है बेटा, अपने आसपास के कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आए हुए हैं। ले भाई यू काम फिर थार आ गया, अपना आस पड़ोस में बेरा पड़ो भाई, कौन यूपी था, बिहार था, राजस्थान था, या कोई और राज्य था, या दूसरा देश था, आया बस रहा था पड़ोस में, और वह बोली उनकी किसी है, खान पान किसा है, रहन सहन किसा है, उनका व्यवहार किसा है, उनका पहनावा किसा है, सारी बातों का तबने बेरा पड़ना भाई, जिम्मेवारी तबने भी निभानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो न्यू हाथ पा दरे काम कौन चल है भाई। जुकर कोई नाम लिख सका यहाँ पे, जैसे राम खिलावन है इसमें लिख क्या, कोई श्यामलाल, कोई मामराज, कोई केशव, कोई राजकुमार, कोई राम लखन, तो ये नाम हो सके हैं। हमारे पड़ोस में राम संजीवन रवा है, लवकुश रवा है, वह बाहर के राज्यों के हैं। मैं भी बेरा पाड़ूंगा भाई तारी तरिया, और तमने भी जोर लाना है पूरा भाई, कदे हुए बैठे रहो ये सवाल सुन के न। आगे है प्यारे बच्चों, आओ ये भी करें, अपने शब्दों में विस्तार से लिखना है घुमंतू समुदाय के बारे में, रोजगार के बारे में, तबादला के बारे में। तो भाई घुमंतू समुदाय तो गडरिये लोहार जो थे उसके बारे में चर्चा अपने कर ली, उसके बारे में लिख दो भाई, इनका ठिकाना एक जगह पे को नहीं होता, थोड़े से दिन रवे है एक जगह पे और फिर अपना गड्ढा न लेकर न आगे चले जावा है, फिर आगे ठिकाना बना लिया है। तो घुमंतू का मतलब वो है जगह जगह पर घूम कर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले, और रोजगार का मतलब वो है भाई रोजी रोटी कमाई का साधन, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे मजदूरी हो, और चाहे भाई व्यापार हो, कुछ भी काम हो सका है, तो वो सारा रोजगार हो गया अपना।
और तबादला के बारे में लिखांगे तो सरकारी कर्मचारी हुए हैं जो उनका सरकार आदेश देकर तबादला करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, बदली करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और वह एक दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। कंपनी का कर्मचारी भी इसी तरह कंपनी का कहना मानने का वो आगे बढ़ता रहा है, जाता रहा है, तो तबादला हो जाए उसका। तो प्यारे बालको पृष्ठ नंबर 5 पूरा और एक भी शब्द नहीं छुटिया अपना अधूरा और पेज नंबर 6 पा जो मरो डांक भाई। ले भाई बच्चों इसमें एक कहानी बनानी है। नीचे दिए गए चित्र को देखो और निम्नलिखित शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित एक कहानी लिखो। कहानी का शीर्षक लिखना मत भूलना। एक शब्द है भाई झुग्गी, बस्ता, स्कूल, चूल्हा, बर्तन, बारिश, सामान, बिल्डिंग, स्कूल, दोस्त, नई जगह, बुलडोजर। कहानी का शीर्षक लिखोगे पहला तो कहानी बनानी है भाई तुमने। क्यूकर कुकर कहानी बनाओगे देखो भाई ये सारी चीज़ आनी चाहिए। जूकर है झुग्गी यानी कि हमारे आस पड़ोस में झुग्गी बस्ती है, उसमें कई परिवार रहते हैं। एक परिवार का एक बच्चा जिसका नाम रामू था, मेरी उससे दोस्ती हो गई। मैंने उसको कहा कि भाई स्कूल चलते हैं। सारे शब्द आने लग रहे हैं भाई इस कहानी में और वो काल्पनिक है, मैं जो मन में बता रहा हूँ आप अपनी तरफ से भी कहानी गढ़ सको हो इसे शब्दों का आधार पर। जैसे मैंने कहा उसको स्कूल में चलते हैं तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने उसके माँ बाप को बताया कि स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए छोटे बच्चों को। उसके माँ बाप मान गए, फिर वो मेरे साथ पढ़ने लग गया। उनकी आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर थी, मैंने उनको कुछ सहायता भी दी, कुछ सामान भी हमारे माता पिता ने उनको दिया। इस प्रकार से वो पढ़ने लग गया। उसके छोटे भाई बहन भी स्कूल में जाने लग गए, मुझे बहुत खुशी हुई। एक दिन एक आदमी वहाँ पर आया जिसकी वह ज़मीन थी जहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी। उसने अपनी सारी ज़मीन दूसरे को बेच दी थी, वहाँ पर होटल बनने वाला था। इस प्रकार उनकी झुग्गी झोपड़ियां उठा दी गई, वहां पर बुलडोजर चला दिया गया और मेरा दोस्त और उसका परिवार हमें छोड़कर दूर चले गए। लेकिन फिर भी मुझे खुशी थी कि वह पढ़ने लग गया था और उनका परिवार बहुत खुश था। ए भाई बड़को या तो थी कहानी और मेरा अनुभव बताऊं, मैं सबसे छोटे बच्चे का मेरा जन्मदिन है संगम का जन्मदिन मनाया था। इसी तरह झुग्गी झोपड़ियों में पेंसिल कापियां बांटकर बहुत खुशी मिली थी। आखिरी का रह गया भाई फाइनल मैच अपना इस पाठ का 7 नंबर पृष्ठ। तैयार हो नी? अरे उब तो नहीं गए, थोड़ा सा हो रह गया, पुंजड़ी पुंजड़ी रह गई, हाथी तो लगड़ लिया। देखो प्यारे बच्चों बस्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाने संबंधी कुछ खबरें समाचार पत्रों से काटो और अपनी कॉपी में चिपकाओ, हटाए जाने के कारण भी लिखो। तो भाई कुछ हो सकता है किसी का मकान भी गिराना पड़ जाए, कब? जब कोई सड़क बनती है या फिर कोई बड़े होटल वगैरह या कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई बड़ी बिल्डिंग या कॉलोनियां बसती हैं तो कुछ झुग्गी झोपड़ियों को भी उठाना पड़ जाता है प्रशासन सरकार के द्वारा या किसी व्यक्तियों के द्वारा। तो उसके कोई अखबार में आपको सूचना मिले तो आप अपनी कॉपी में उसको चिपका लेना। बस आगे चर्चा करो परिवारों को किन कारणों से अपने बदलने पड़ते हैं। तो भाई अपने परिवारों को स्थान इसलिए बदलने पड़े हैं रोजी रोटी कमाने खातर, नौकरी के कारण बदली उनके कारण है, और अपना किसी कारणवश परिवार में कोई और समस्या लड़ाई झगड़ा आदि हो जाए तो भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। अहमद के परिवार जैसे अनेक परिवार अपने गांव से नगरों और महानगरों में रहने के लिए आते हैं। क्या नए स्थानों पर उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होती है? महानगरों में उन्हें किस प्रकार के अनुभव होते होंगे? तो भाई महानगर बड़े बड़े नगर बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली हैं इस एशिया में भाई कई जगह, तो जिसका अच्छा पिस्सा है बिल्डिंग मकान है भाई ऐसो आराम भी हैं और नहीं भाई झुग्गी झोपड़ियों में दिहाड़े भी गणे हैं। ये तो अपने हिसाब से लिख दो। तो हमें महानगरों में समस्याएं भी हैं भाई, गंदगी भी हो जाती है कई बार, पानी की, बिजली की, सफाई की बहुत सी दिक्कतें भी महानगरों में हो जाती हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हुआ है उड़ा है। आगे भाई कारण बताओ, बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता,
भाई बूंद मार ईंट वहीं है क्या तो वह है क्योंकि वह कच्चे वह नहीं जब उनका बूंद लाके जे है उन्हें कोई खरीदे को नहीं, यानी कि बठाला का माल बिगड़ जे है जहाँ तक वो बठे बंद कर दिया है अपने बरसात में क्योंकि कच्चे ईंटा पर बूंद लग गया पाछ है वो मटीरियल वो सामग्री शुद्ध साफ सुथरी को नहीं बनती। वैसे नंदिनी अनेक भाषाएं बोल सकती है, कारण बताओ भाई वह जगह जगह हैंड लिया अपने पापा गल है, कुया कौन से स्कूल में दाखिल होगी, कौन से राज्य में, कुया हरियाणा में, कुया महाराष्ट्र में, कुया तमिलनाडु में, तो भाई जड़ रहोगी ओड़ की भाषा तो सीखेगी, आप ही रहने लगे तो आप ही सीख लेंगे। गाँव की अपेक्षा शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, कारण बताओ भाई शहर में एक तो एक फैक्ट्री, एक तो एक कंपनी, बड़े से बड़े व्यापारी रहते हैं, और गाँव में तो भाई खेती बाड़ी करे हैं लोग, वैसे तो रोजगार के साधन शहरों में ज़्यादा हुए हैं। ले भाई बड़को अपना काम यू पूरा पाठ पूरा, मन तो मेरा काम पूरा कर दिया, इबता हमने पूरा करना है, इसको अच्छी तरह पढ़ियो, इसके बारे में जो प्रश्न उठा अपने माँ बाप ते शिक्षकों ते पूछियो, और नहीं तो 9826329555 है प्यारे बड़को तारे खतर हूँ, कुइया भी फोन कर लियो कोई भी समस्या खतर। और देखो भाई मेहनत तो करनी है पड़ेगी बड़को, देखो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे, सारी चीज़ समझोगे, विज्ञान की बात सीखोगे, बड़े होकर विद्वान बनोगे, समाज का सारी बातों का बेरा पटकापन। और भाई शिक्षक साथियों और अभिभावकों को मैं कहना चाहूँगा इस चैनल हरिकेश का पढ़ो पे सामान्य ज्ञान जी के, हरियाणा का बोली की समझ, हरियाणा जी के या फिर व्याकरण दो तीस पहाड़े, बहुत सा मटेरियल आपको मिलेगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।